हे गाइस वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो भाई आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर। ठीक है, पहले वीडियो में बताया था भाई गवर्नमेंट एड कॉलेज के बारे में, उधर एग्जाम के क्या सीन है, क्या क्या डिपार्टमेंट से आप कैसे एलिजिबल हो उसके उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वो सब आप नहीं देखे तो पहला वीडियो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तब पूरा का सीन समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं इन सब आर्ट कॉलेज में क्या डिग्री होता है। डिग्री होता है BFA, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, अच्छे से समझना, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। और डिग्री का ड्यूरेशन क्या है भाई, सारे कॉलेज में सेम है। ठीक है, इस डिग्री का ड्यूरेशन है 4 ईयर्स, आपको 4 ईयर्स लगेगा भाई, टोटल 8 सेमेस्टर, 4 ईयर्स में 8 सेमेस्टर होगा, तो भाई ये डिग्री कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी दोनों ही भाई वेस्ट बंगाल के अंडर है। ठीक है, और बहुत ही दो अच्छे आर्ट कॉलेज है, दोनों ही बहुत अच्छे आर्ट कॉलेज है। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहले से स्टार्ट करते। ठीक है, उसमें तो पहले जान लेते भाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एज लिमिट क्या है। भाई मैं पहले वीडियो में एक थोड़ा सा गलत बात बता दिया था उधर, तो पहले मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। तो उस मैंने कहा था भाई उधर 23 ईयर्स तक एज लिमिट है, भाई ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट में 23 ईयर्स तक एज लिमिट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कोई एज लिमिट नहीं है। भाई माफ़ कर देना, थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया था मुझे। तो उधर कोई एज लिमिट नहीं है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, तो भाई आप कभी इन कर सकते हो, उधर एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और आपको एजेस देना है, ठीक है, एजेस के बाद आप उधर एडमिशन फीस दे सकते हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट है उधर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। पहले आता है पेंटिंग, ठीक है, उसके बाद स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट, उसके बाद आता है सेरामिक आर्ट एंड पॉटरी, उसके बाद आता है टेक्सटाइल डिजाइन। ठीक है, टोटल 5 डिपार्टमेंट हो गया। और एक डिपार्टमेंट है, वो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ठीक है, ये पूरा का बेसिस थ्योरी के ऊपर है। ठीक है, इधर प्रैक्टिकल वगैरह बहुत ही कम है, पूरा सिस्टम ही थ्योरी के ऊपर है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में। और भाई हिस्ट्री ऑफ आर्ट में आपको एडमिशन लेने के लिए एजीएस में मार्क्स 65% चाहिए। ठीक, बाकी डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 50% से काम चल जाएगा। बट आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो भाई उधर आपको 65% चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट को साइड में रखते हैं भाई, बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं इसका एग्जाम का प्रोसीड्योर क्या है। ठीक है, पहले तो बता दिया भाई क्या क्या डिपार्टमेंट है। इसका एग्जाम का प्रोसीड्योर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने पहले वीडियो में बताया था भाई, हमारे इधर जो जो आर्ट कॉलेज है उधर एग्जाम 2 स्टेज में होता है। आर्ट कॉलेज में एडमिशन का एग्जाम 2 स्टेज में होता है, पहला स्टेज होता है प्रैक्टिकल, उसके बाद आता है वाइवा, वाइवा दूसरा स्टेज है। ठीक है, उधर सेकंड सिलेक्शन होता है। तो इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल में ना आपको दोनों चीज़ करना, एक है पेंटिंग, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज बोल देता हूँ आप लोगों को तो आसानी होगा। पेंटिंग डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स आर्ट डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और सेरामिक डिपार्टमेंट, ये चारों डिपार्टमेंट में आपको वाटर कलर कंपोजिशन करना। ठीक, इन सिर्फ स्कल्पचर को छोड़कर इन चारों डिपार्टमेंट में आपको वाटर कलर कंपोजिशन करना है, और स्कल्पचर में आपको 3D क्ले मॉडलिंग करना है, और क्ले कॉलेज से देगा। ठीक, तो आपको पता चल गया भाई कैसे एक एग्जाम होता है। और भाई पैराग्राफ का सीन क्या है, इधर पैराग्राफ उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप जो पेंटिंग करे हुआ, जो स्कल्पचर आपने मेक किया, तो आपने क्यों चूज़ किया उस स्कल्पचर को, ठीक है, आप किस तरह से चूज़ किए हो, क्या क्या कलर क्यों यूज़ किए हो, भाई इस टाइप के कुछ मिलेगा आप लोगों को, तो उसको एक पैराग्राफ लिखना है। तो भाई आप जान लेते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी में टोटल कितने सीट अवेलेबल है। भाई तो उधर टोटल 55 से 60 सीट तक अवेलेबल है। ठीक है, तो भाई अब मुझे लगता है भाई आप लोगों को समझा पाया भाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी का क्या सीन है। भाई कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा भाई। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी का सीन तो हो गया, तो भाई आप बात करते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले जान लेते भाई इसका एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो भाई आपको एजेस के बाद 3 बार एग्जाम देना है। ठीक है, एजेस के बाद आपको सिर्फ 3 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, उसके बाद एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, अच्छे से समझना, एजेस के बाद 3 बार। ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सारे कॉलेज में उससे ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्ट कॉलेज में ये कम है। अब बात करते हैं भाई रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिपार्टमेंट मिलता है आप लोगों को BFA करने के लिए। ठीक है, पहले आता है पेंटिंग, उसके बाद आता है स्कल्पचर, उसके बाद आता है प्रिंट मेकिंग, उसके बाद अप्लाइड आर्ट, और आखिर में आता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट। टोटल 5 डिपार्टमेंट है BFA के लिए। ठीक है, और भाई इधर एडमिशन टेस्ट देना ही पड़ता है। ठीक है, हर एक कॉलेज में एडमिशन टेस्ट आपको देना ही, और एडमिशन टेस्ट दोनों स्टेज में होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया दोनों स्टेज में होता है, एक है प्रैक्टिकल, उसके बाद आता है वाइवा। भाई अब बात करते हैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल स्टेज के बारे में। ठीक है, उधर भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा सेम ही प्रोसेस है, आपको पहले एक ड्राइंग करना है, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो इधर भी लगभग सेम ही चीज़ है। ठीक है, इधर सिर्फ एक अलग चीज़ क्या है, इधर आपको वाटर कलर कंपोजिशन नहीं करना है, इधर आपको सिर्फ पेंसिल से ड्राइंग करना है। स्कल्पचर को छोड़कर बाकी सब डिपार्टमेंट में आपको एक जो कंपोजिशन कॉलेज से बोलेगा उसको पेंसिल से सिर्फ ड्राइंग करना है, कलर नहीं करना है, अच्छे से समझना, सिर्फ ड्राइंग करना है, कलर नहीं करना है, और सिंगल लाइन ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, और स्कल्पचर में क्या सीन है, उधर आपको कॉलेज से जो क्ले प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसमें से एक स्कल्पचर बनाना है जो कॉलेज से बोलेगा, जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और उतना भी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन नहीं होगा इधर। ठीक है,
और अच्छे से समझना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ इधर भाई वाटर कलर कंपोजिशन नहीं करना है भाई, बाकी सारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉलेजेस होते हैं ना उधर भाई आपको वाटर कलर कंपोजिशन करना होता है, ठीक है। और भाई इस कॉलेज में आपको वाटर कलर कंपोजिशन नहीं करना है, सिर्फ लाइन ड्राइंग करना है, जो सब्जेक्ट आपको देगा उसको पेंसिल से लाइन ड्राइंग करना है। उसके बाद आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है भाई, पैराग्राफ किस टाइप का आता है, जैसे कि आप क्यों आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, आपके कुछ ड्रीम वगैरह, ठीक है, आप आर्टिस्ट बन के क्या करना चाहते हो, आप क्यों ये पेंटिंग बनाए हो, ठीक है, इस टाइप के कुछ पैराग्राफ आपको मिलेगा सिंपली, ठीक है, उसको सिंपली एक लिख देना है, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। वैसे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का सीट कैपेसिटी के बारे में अभी भी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, मैं नहीं जानता उधर कितना सीट अवेलेबल है बीएफए के लिए, तो जब मुझे पता चल जाएगा मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है भाई आप लोगों को सब समझा पाया हो विश्व भारती और रविंद्र भारती के बारे में, ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, अच्छा लगे तो एक लाइक करो भाई, बहुत ही भाई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ये वाला वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, इस टाइप का, तो अच्छा लगे तो लाइक करो, अभी कोई भी डाउट वगैरह हो तो कॉलेज के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उधर ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी नोटिस वगैरह आया तो मैं उधर दे देता हूँ, नीचे लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो मुझे, बहुत सारे पेंटिंग वगैरह सेंड करते हो उधर, इंटरेस्टेड हो तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा, नीचे लिंक दे दिया है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाला और एक वीडियो में,